क्या आप लोगों को पता है कि OI41 के अपडेट के बाद जो आपको HP मिलने वाली है वो 200 नहीं होने वाली है, ना कि 500 होने वाली है। यहाँ पर जो HP आप लोगों की होने वाली है एक्चुअल में वो होने वाली है 800। और वो कैसे 800 HP आप लोगों को मिलने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे यार फ्री फायर गेम किस तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है गेम के अंदर, आपको खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और वो कैसे होने वाली है तो वो भी हम बात करेंगे। तो आपको पता हमारे गेम के अंदर एक नैनो वेस्ट करके मिलने वाला है जिसको हम वेस्ट को कवर लेने काम में आता है। अब देखो पुराने वाले वेस्ट कैसे होते थे, सिर्फ फटते तो और एनिमी तुरंत खत्म हो जाता था एंड डैमेज भी लगता था, लेकिन ये नैनो वेस्ट के अंदर ये चीज़ है कि आप लोग जब भी किसी एनिमी को मार रहे हो अगर उसने नैनो वेस्ट पहना हुआ है तो उसको डैमेज पहले नैनो वेस्ट पर जाएगा, उसके बाद ही एनिमी को जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, नैनो वेस्ट कम से कम आपको 250 HP मतलब फ्री में देता है, वो कवर कर लेता है 300 से 250 HP तो वो कवर कर ही लेता है। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे सोनिया कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत खतरनाक लेवल की है, और इसी पे अगर हम नैनो वेस्ट और हम सोनिया कैरेक्टर को एक साथ यहां पर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो वेस्ट तो कवर कर ही दे रहा है 200-250 HP, लेकिन ये सोनिया जो कैरेक्टर है इसमें ये खासियत है, अगर सोनिया कैरेक्टर को आपने पूरा मार दिया, ठीक है, एंड वो मरती नहीं, आपको पता है शील्ड सोनिया कैरेक्टर के ऊपर लग जाती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। एंड यहां पर क्या होता है, सामने वाला बंदा सोचता है यार वो तो मर गई है, पर उसके पास इतना टाइम रहता है कि 6 सेकंड का टाइम रहता है मिनिमम, उसके पास 150 HP का जो शील्ड रहता है वो सह लेता है, ठीक है ना, 150 HP सह लेता है। लेकिन आप सोनिया कैरेक्टर अगर आपने लिया है तो आप सामने वाले बंदे को क्या, वहां दो बंदे भी रहेंगे ना, चार बंदे आप मार दोगे आसानी से। सोनिया कैरेक्टर अगर आपने लिया है तो आप चार बंदे को इजिली मार सकते हो अगर आप लोग अच्छा हेडशॉट मारना जानते हो, ठीक है। तो ये जो यार बहुत ही ज्यादा गेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है, एंड मैं समझ सकता हूं ये SS अपडेट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए। और भी अपडेट आपको मिलने वाले हैं, तो अभी मैं आपको हम बात करने वाले हैं सेकेंड अपडेट की। तो अभी आप लोगों को किस तरीके से बचना है, ठीक है। देखो आपने जैसे कोई बंदा है नैनो वेस्ट पहन के जाता है एंड उसके पास लेवल 4 का है और आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अब उसको कैसे मारना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है एंड आपको डायरेक्टली उसको हेडशॉट ही मारना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि वो भी हेडशॉट मारेगा एंड आपको ही मारना है। अब देखो जो जितना अच्छा हेडशॉट मार पाएगा वो ही मतलब जीत पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले सोनिया कैरेक्टर की। देखो सोनिया कैरेक्टर आप जब खेलते रहोगे तो आपकी आदत लग जाएगी एंड कुछ दिनों में एंड उसके बाद सभी लोगों के पास सोनिया कैरेक्टर दिखने को रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सामने वाले के पास भी है और आपके पास भी है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास भी टाइम है उसके पास भी टाइम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा ही होगा कि आप ग्लोबल लेवल लगा के थोड़ा टाइम लेके फिर उसको आप मार पाओगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बट इससे गेम थोड़ा सा अनबैलेंस हो जा रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसका भी जो दिक्कत यार वो धीरे धीरे करके लोगों की आदत बन जाती है एंड फिर इसी तरीके से वो गेम में फंस जाते हैं, फिर अपडेट आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे हमारे थर्ड अपडेट की। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे यार OI41 के बाद हम अनलिमिटेड लाइक भी ले पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग अपने जो प्रोफाइल होते हैं, अगर आप लोग किसी को लाइक करना चाहते हो सिर्फ प्रोफाइल पे जाओ और वहाँ से भी लाइक कर सकते हो, इससे ये फायदे कि आप लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो मिल सकता है आपको प्रोफाइल पर, आपकी प्रोफाइल जो भी विजिट करेगा तो उस पर लाइक मार सकता है, ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है। और अभी हम बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर जो अभी अपडेट हुआ है उसमें ऐसा सिस्टम होने वाला है जिससे कि कोई बच्चा अगर कोई भी छोटा एज का है, मतलब कोई 12-13 साल का बच्चा है, तो वो अभी यहाँ पर गेम को नहीं खेल पाएगा, तो उसके में भी यहाँ पर अपडेट का पर मतलब अपडेट आ चुका है OI41 में, लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा बट कुछ दिन बाद इसको शायद देखने को मिल जाए। तो इसमें क्या होगा, कोई बच्चा अगर 12-13 साल का है तो वो यहाँ पर गेम नहीं खेल पाएगा क्योंकि अब उसके पेरेंट्स के फोन से वेरीफाई करना पड़ेगा, और आपको पता है यहाँ पर जब जो 80+ जो यहाँ पर लिखा जाएगा कि अगर आप 80+ के तो आप यस करिए, अगर आप नहीं हो तो नो करिए, तो ये वाला भी सिस्टम देखने को जल्दी मिलने वाला है और ये भी शायद आ सकता है क्योंकि ये 100% कन्फर्म हो चुका है क्योंकि ये अदर सर्वर में आ चुका है, लेकिन इंडिया में भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। और ये इससे ये भी कन्फर्म हो रहा था कि इससे फ्री फायर जो हमारा अनबैन भी हो सकता है, शायद ये फ्री फायर अनबैन होने का मतलब एक हिंट हो क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के मन में भी डाउट चल रहा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं न्यू कैरेक्टर की, और ये है सूजी कैरेक्टर एंड सोजी कैरेक्टर, आप जो भी बोल लो, एंड ये जो है आपको डायमंड बना के देती है और आप एक बंदे का सिर्फ आप सीधा 100 डायमंड ले पाओगे, एंड मैं मजाक कर रहा था, सो ऐसा नहीं। देखो इस कैरेक्टर में यार बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लोग जो FF टोकन होता है ना, इस पर आपको एक किल पे आपको 100 टोकन मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर कैरेक्टर दिखाता हूँ, अगर किसी को मैं मार रहा हूँ तो देख सकते हो मेरा ऊपर टोकन जो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे ही आप लोग इसे ये भी मतलब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होने वाला है और कैरेक्टर आपको ऐसे ऐसी चीज मिलने वाली है। मेरे को तो लग रहा है कि आगे चल के हमारा ऐसा भी होने वाला है कि एक बंदे पे 1 डायमंड फ्री, मतलब किसी एनिमी को मारो और 1 डायमंड कमाओ, तो ऐसा भी कैरेक्टर आ सकता है। और जब हमारा हमें को अगर इसमें गोल्ड कॉइन होता है या कुछ डायमंड टाइप की चीजें होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ कैरेक्टर आ सकता है। और अभी हम बात करने वाले अलवारो कैरेक्टर की। देखो अलवारो तो वैसे ही अपडेट था लेकिन इसको थोड़ा और अपडेट कर दिया गया, तो वो क्या है वो भी हम जान लेते। तो अब ये काम कैसे करती है, इसकी एबिलिटी कैसे काम करती है, तो वो भी हम देखने वाले। तो पहले अगर कोई
कोई बंदा आपको मार रहा है ठीक है, और आपके पास ग्लोबल एंड कुछ भी चीज नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास एक एविलेटरी जगह शील्ड, तो ये शील्ड जो है मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से फायर वाली जो लाइन है यार वो ऊपर उठ रही है ठीक है। और इसके अगर कोई बंदा मतलब इसके आर मतलब आगे से या पीछे से मतलब जाता है तो उसकी 50% HP जो है कम हो जाती है ठीक है। और वो एक बार जाएगा तो एक बार में होगा, अगर वो दूसरी बार जाएगा तो दूसरी बार में भी होगा। और वो बंदा ना आपको मतलब वो अगर आप अंदर चले जाते हो आपको कुछ भी नहीं होने वाला, और आपके ना कि टीम मेट्स को होने वाला है, और अगर आप अंदर खड़े रहते हो तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला और बंदे अभी मार नहीं पाएगा ठीक है। तो ये एबिलिटी भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर दो तीन लोगों के पास होगा तो इसको हम लगा सकते हैं, और जो सामने वाले एनिमी रहेंगे उन सबकी 50-50 HP करके कम हो सकती है, और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा पड़ने वाला है। एंड तो ये भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होने वाला है मतलब अभी के टाइम पे, अब इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, वैसे पहले होता नहीं था लेकिन अब होगा। और अभी हम बात करने वाले हैं एक और चीज़ की, अगर व्हीकल्स जैसे कार रहने आप लोग मतलब बाइक एक चलाते हो तो उसमें क्या होता है, हम गन को एक्सचेंज नहीं कर पाते, मतलब चेंज नहीं कर पाते ना हम गन को उठा पाते हैं। तो अभी कैसा होगा कि गन जो हम उठा पाएंगे एंड जो हम उससे फायर भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी अपडेट आ सकता है, क्योंकि यार जैसे पबजी में आपने लाइक देखा होगा कि हम किसी भी बंदे को मार सकते हैं मतलब गाड़ी से चलते हुए एंड जाते हुए, तो वो चीज़ भी हमारे गेम के अंदर ऐड होने वाली है। और जो कार वाली है एंड व्हीकल्स हो गया एंड टैक्सी हो गई एंड जो भी चीज़ यार सब चीज़ में अप्लाई होने वाला है, तो ये भी अपडेट यार बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एंड धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है और भी चीज़ें आने को मिलने वाली है, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। एक चीज़ और है, OE41 के बाद अब से जो आप लोगों के लेवल और हमारे जो भी लेवल होंगे वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि यार बहुत सारे लोग CS ज़्यादा खेलते हैं ठीक है। आपको होता है रैंक में हमारा ज़्यादा लेवल जो अप होता है ठीक है गेम के अंदर, और वही चीज़ अभी CS में थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि देखो यार आप जब भी उस पर क्लिक करोगे अपने प्रोफाइल की लेवल की ID पे तो वहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा होगा ठीक है, और जो फर्स्ट वाला होगा वो पॉइंट कम होंगे, जो लास्ट वाला होगा वो पॉइंट तक आपको पहुँचाना है। एंड जो भी हो सकता है आपका 2 लाख 3 लाख जितना भी रहेगा, अगर वो पूरा हो जाता है तब आपका जब आपके लेवल जो रहता है अप होता है मतलब वो कंप्लीट हो पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो हमारा अब CS में थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो अगर आप CS ज़्यादा खेलते हो एंड आप CS में एक चीज़ आप लोग ज़्यादा करना मतलब आप लोग सर्वाइव ज़्यादा करना ठीक है, तब आपके जो लेवल रहेंगे अगर आप CS नहीं भी खेलोगे तो भी आपके जो लेवल यार बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। और वैसे ही हम रैंक की बात करूँ तो रैंक में आपको पता है कि हम ज़्यादा मैप बड़ा रहता है तो हम ज़्यादा लंबे तक इधर उधर रन करते हैं तो हमारा जो लेवल वैसे ही अप हो जाता है ठीक है। तो वैसे CS में भी बहुत जल्दी लेवल अप हो जाएंगे, तो ये भी अपडेट यार काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो यार।